सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं पे डे लोन ऐप की रियलिटी को। इसका नाम ही कुछ इस तरीके का है और यहां पर रेटिंग जो है 4.1 स्टार की से मिली हुई है और लगभग 10,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। अगर आप इस लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई कर चुके हो, किसी तरीके का स्कैम हुआ है, तो भी इस वीडियो को आपको कंप्लीटली ज़रूर से देखना है। पे डे लोन जिसकी रेटिंग 4.1 स्टार की है, 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया है और नीचे स्क्रॉल करने पर हमें देखने को मिलता है कि ये लोग कह रहे हैं कि आपके डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करते हैं, ऐसा बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से आपको इस लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके अबाउट सेक्शन को। यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया हुआ है कि अगर आप 40,000 के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 42,700 कुछ रुपए देने होंगे और समय दिया जाएगा मिनिमम 3 मंथ्स का और मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स तक का समय आपको दिया जाता है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करने पर हमें इनका मेल आईडी और एक एड्रेस देखने को मिलता है। अब इसकी रियलिटी जानने के लिए चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग 5-स्टार रेटिंग के रिव्यूज को और वहां पर जाते ही जो है आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से लोगों ने लिखा है, जैसे कि गुड ऐप, वेरी गुड ऐप, नाइस ऐप और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। गुड, गुड, वेरी गुड, नाइस, इस तरीके से बहुत सारा रिव्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी रियलिटी आपको पता नहीं चलेगा। अब इस लोन ऐप की रियलिटी जानने के लिए हमें जाना होगा 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में और वहाँ जाते ही आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लोग ये कह रहे हैं भाई कि उन्होंने जो है अपना आधार, पैन, सेल्फी वगैरह इस लोन ऐप में डाला, उनको एक लोन का अमाउंट दिखाया गया लेकिन वो लोन अमाउंट इनको रिसीव नहीं हुआ, जबकि इनसे चार्जेस भी लिया गया है, कभी प्रोसेसिंग चार्जेस तो कभी क्विक डिसबर्समेंट चार्जेस, कभी 600 कुछ रुपये तो कभी 300 कुछ रुपये, और काफ़ी लोगों ने पे भी कर दिया है लेकिन अभी भी इनको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। इन रिव्यूज को देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि फिलहाल आपको इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए और अगर आपने जो है ऑलरेडी इनके चार्जेस को पे कर दिया है, अभी भी आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो है आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि आपसे जो है चार्जेस भी लिया गया है और आपको लोन का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको जो है लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो आपको जो है प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग रीपेमेंट करने समय का बना लेना है और उसमें यह शो करना है कि किस तरीके से आप इस ऐप में गए हो, कैसे आपने लोन का रीपेमेंट किया है, पूरा प्रोसेस उस वीडियो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए और उसको अपने पास रख लेना है। अगर ये लोग अपडेट नहीं करते हैं तो बाद में आप इन लोगों को जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हो, अगर फिर भी ये लोग जो है अपडेट नहीं करेंगे तो ऐसे में आप जो है साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से ही लोन लेना है तो आपको किन किन बातों को खासतौर पर ध्यान रखना है, उस लोन ऐप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ये समझ सको कि भाई आपके साथ बाद में स्कैम नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर लास्ट में आपको शो हो जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएगा। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी को तो शेयर कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको मिल जाएगा मेरे हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको अवेयरनेस वाली वीडियोज़ देखने को मिलेगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में और इस वीडियो को जरूर से देख लेना। थैंक यू सो मच।